भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह यूं तो विवादों के देवता कहे जाते हैं। विवाद और पवन सिंह का चोली दामन का संबंध है, लेकिन जो लोग पवन सिंह के साथ रहते हैं वे जानते हैं कि पवन सिंह दिलों का भी राजा आदमी है। पवन सिंह का अभी दो वीडियो वायरल हुआ है और ये वीडियो दिखाता है कि किस तरह से वो दानवीर भी हैं और एक सच्चे और क्यूट इंसान भी। देखिए इस वीडियो में आप आगे देखेंगे कि किस तरह से जो है पवन सिंह जो है छोटे से खड़ी जिसको बोलते हैं, मतलब एक ऐसा जो है जगह जहाँ पे एक महिला चाय बेचती है वहाँ पे ये लोग पहुँचे हुए हैं। और होता है ना कि सड़क के किनारे जो लोग अपना चाय का स्टॉल लगाते हैं वहाँ पे महिला मिलती है और इनकी मेहनत को सलाम किस तरह से पवन सिंह करते हैं, तुरंत जो है कितना पैसा निकाल कर दे देते हैं। आप ये देखेंगे, ये हर कोई स्टार नहीं कर सकता है, ये पवन सिंह एकदम देसी अंदाज में चाय पी रहे हैं आप, एकदम पहले का, एकदम 10 साल पहले का। कुछ कहिए इस पे आप। यही असली जीवन है, यही अपने गांव का लगाव है, ये मजा कहीं और नहीं मिलेगा। एकदम भैया देसी अंदाज में ये पत्थर ले लगाओ। अरे पवन भैया एकदम देसी अंदाज में चाय पी रहे हैं, एकदम देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं, मतलब कि हर चीज रहते हुए भी यहाँ का आनंद भैया। आपके यहाँ चाय पीना है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है भैया, तो आप लोग सब लोग आए। तो आपने देखा ये वीडियो, और अब पवन सिंह का एक और मासूम वीडियो हम आपको दिखाते हैं जो आपको बताएगा कि किस तरह से पवन सिंह एक क्यूट बच्चे के साथ मिलकर खुद भी मासूम हो जाते हैं, खुद भी उस बचपने में लौट जाते हैं। ये पवन सिंह ही कर सकते हैं, देखिए ये वीडियो। बाय कर दो बेटा, बाय बाय बाय, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, कैसी हो? बाय इच्छू, बोल दो ठीक, बोल दो ठीक, ठीक हो? तो आपने दोनों वीडियो तो देख ही लिया होगा और समझ ही गए होंगे कि पवन सिंह पर जो बीच बीच में आरोप लगते रहते हैं, तमाम तरह की चीज़ें जो विवादों में पवन सिंह हमेशा रहते हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर, लेकिन एक पहलू इस इंसान का ये भी है। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर पवन सिंह के इस पहलू को मीडिया में या चीज सबके सामने क्यों नहीं लाया जाता है, क्यों नहीं उनके जिंदा दिली की बात होती है, क्यों नहीं उनके रिश्तों में नरमी की बात होती है, हमेशा क्यों उन्हें एक गुनाहों के देवता के रूप में ही प्रेजेंट किया जाता है। मेरी कोशिश यही है कि जो सही है उसको सामने रखें। चलो